के वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2023 में श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष कब से कब तक लगने वाला है, दिनांक और तिथि क्या होगी, साथ ही किन कारणों के वश आपके ऊपर पितृ दोष लगता है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय जो कि आपको पितृ पक्ष में करने हैं और कौन सी चीजें हैं जिनको आप अगर अपने पितरों को खिलाते हैं इस पितृ पक्ष में तो आपके ऊपर जितने भी पितृ दोष लगे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष पूर्ण रूप से हमारे पितरों को ही समर्पित होता है। इस दौरान पितरों की पूजा और पिंड दान का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होकर अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे पितृ पक्ष कहा गया है। मान्यता है कि पितृ पक्ष में दान पुण्य और पितृ तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2023 में पितृ पक्ष कब से लेकर कब तक रहने वाला है। साल 2023 में पितृ पक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 से हो रहा है, जिसका समापन 14 अक्टूबर के दिन पितृ अमावस्या के दिन होने वाला है। इसी दिन पितृ विसर्जन भी किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि पितृ पक्ष में 2023 की प्रमुख तिथियां कौन कौन सी है। 29 सितंबर 2023 शुक्रवार पूर्णिमा श्राद्ध व प्रतिपदा श्राद्ध, 30 सितंबर 2023 शनिवार द्वितीया श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2023 रविवार तृतीया श्राद्ध, 2 अक्टूबर 2023 सोमवार चतुर्थी श्राद्ध, 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार षष्ठी श्राद्ध, 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार सप्तमी श्राद्ध, 6 अक्टूबर 2023 अष्टमी श्राद्ध, 7 अक्टूबर 2023 शनिवार नवमी श्राद्ध, 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार दशमी श्राद्ध, 9 अक्टूबर 2023 सोमवार एकादशी श्राद्ध, 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार द्वादशी श्राद्ध, 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध, 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध, वहीं 14 अक्टूबर 2023 शनिवार सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस समय पितृ पक्ष के दौरान पितृगण धरती पर ही रहते हैं। ऐसे में यदि इस समय उनका श्राद्ध या फिर तर्पण पूरे विधि विधान से किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपना आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं, या फिर पक्षी विशेष के रूप में पृथ्वी पर ही आकर आपका बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। वे पितृ के समान ही होते हैं, इसलिए पितृ पक्ष में पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। और अब मैं आप सभी को गुरु जी के द्वारा बताया गया कुछ उपाय और पितृ पक्ष में किस प्रकार का भोजन आप अपने पितृगणों को करवा सकते हैं, क्या वर्जित रहेगा, उसी से जुड़ी हुई खास जानकारी आपको देने जा रही हूँ। तो बहुत ही ध्यान से चीजों को सुनिएगा। देखिए, गुरु जी का कहना है कि सिर्फ देवी देवताओं को ही नहीं बल्कि पितृजनों को भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है, ईश्वर का ही दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब स्वर्ग लोग और पातालों की रचना की थी तब उन्होंने पितरों के लिए पितृ लोक भी बनाया था, जहां हम सभी के पितृजन मृत्यु के पश्चात वास करते हैं। पितृ पक्ष में इस महीने में पितृजन पितृ लोक से धरती पर अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं और इसके साथ ही वे अपने प्रियजनों के हाथ से ही भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे पितरों को तृप्ति प्रदान करता है और वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर पुनः पितृ लोक में लौट जाते हैं। किंतु अगर धरती पर उन्हें तृप्ति प्राप्त ना हो और उनके प्रियजनों द्वारा उनका पोषण न किया जाए तो पितृ रुष्ट होकर पितृ लोक लौट जाते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार पर पितृ दोष लग जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या आपके पितरों के लिए कौन सा व्यंजन बनाना सबसे ज्यादा उचित होगा, जिससे वे प्रसन्न होकर ही आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं
कि गुरुजी और गरुण पुराण ने इस बारे में क्या क्या लिखा है। वैसे तो सभी प्रकार के व्यंजन आपके पितरों को पसंद आते हैं, लेकिन सबसे पहली जो चीज है वो है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ दोस्तों, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर तो अवश्य ही बनानी चाहिए, जिससे सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसी जाए तो इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सब्जी जो कि आपके पितरों को सबसे अधिक पसंद आती है वो है कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अधिक प्रिय होता है कद्दू की सब्जी हमारे सभी पितरों को। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्रद्धा प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आवाहन करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरी है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे को और दो रोटी छोटी छोटी रोटियां आप गाय और कुत्ते को खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे होगा ये कि आपके पितर जिस भी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको आशीर्वाद ही प्रदान करके जाएंगे। साथ ही साथ पीली मूंग की दाल और सफेद उड़द की दाल, इन दोनों दालों की भी विशेष महत्व गरुण पुराण में बताए गए हैं और हमारे गुरु जी का भी यही कहना है कि जिसने भी इन दो दालों से बनने वाले व्यंजन बनाए और मीठे में और नमकीन में अवश्य ही इन चीजों को बना करके अगर आपने अपने पितरों को भोग लगाया तो आपको सबसे अधिक आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और ऐसे में कभी भी आपको पितृ दोष भी नहीं लगता है। इसके अलावा आलू गेहूं से बनी पूरी, मीठे गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जा सकती है। तो पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं और पूरे मन से उसे ग्रहण करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि गुरुजी के अनुसार भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोजन बनाते समय उसे नहीं चखते, उसी प्रकार से जिस प्रकार हम झूठा नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से हमें पितरों का भोजन भी उसी मन से बनाना चाहिए, पूर्ण मनोभाव से बनाए। उन्हें अर्पण करने से पहले हमें चखना नहीं चाहिए और ना ही झूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध हो जाना चाहिए। बिना स्नान आपको पितरों का भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितरों के लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। पितृ पक्ष में भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से पवित्र कर लें या फिर आप चाहें तो नमक डालकर पूजा भी अपने रसोई घर में लगा लें। साधारण जल छिड़कने से पहले भी आप यही मन में भावना लाएं कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसे आपके पितृ देव आराम से ग्रहण कर सकें और साथ ही साथ ओम पितृ देवाय नमः या फिर ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन आपको बनाना आरंभ करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि गुरुजी के अनुसार कैसा भोजन हमें नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहारी भोजन बहुत पसंद था। उनके पितर श्राद्ध पर मांसाहार बनाकर अगर वे खिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें आशीर्वाद देकर जाएंगे, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक बन जाता है, इसलिए उनकी श्राद्ध या फिर भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग हमें कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाना चाहिए और उन्हें खिलाना चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण करने नहीं आते हैं और वे भूखे ही लौट जाते हैं अपने पितृलोक में, जिसकी वजह से उनकी आत्मा को कष्ट होता है और आपको पितृ दोष लगता है। पितृ भोजन में ज्यादा तेज मसालों का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए, जिससे पितृ उन्हें आसानी से ग्रहण कर सके। या एक सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहूंगी, हम भोजन तो परोस देते हैं और उनको भोग पितरों को तस्वीर पर लगा देते हैं या फिर कुएं में कौवे को या फिर गाय को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे जरूरी चीज है जल अर्पण करना। हो सके तो आपको पूरे पितृ पक्ष के दौरान रोज ही पितरों को जल अर्पण जरूर
करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली हो और आपके पितृगण आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं, आपसे प्रसन्न होकर ही जाएं। आप जल ग्रहण करवाएं उन्हें और अच्छे से भोजन भी तर्पण करें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।